और इन दोनों वायर को आपस में टच करते हैं, तो इसमें बल्ब जल रहा है। तो हम इन दोनों वायर को NVC कॉइल से लगाते हैं। दोस्तों, ड्यूअल स्टार्टर में कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए या ड्यूअल स्टार्टर को ऑन ऑफ करने के लिए उसमें एक NVC कॉइल लगाई जाती है, और कभी वह NVC कॉइल ख़राब भी हो जाती है। और NVC कॉइल 220 वोल्ट से 440 वोल्ट तक की लगाई जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्यूअल स्टार्टर के NVC कॉइल को कैसे चेक करते हैं कि वह ख़राब है या सही है, और यदि NVC कॉइल ख़राब होती है या फिर हमें ड्यूअल स्टार्टर में NVC कॉइल चेंज करनी होती है, तो हम ड्यूअल स्टार्टर में NVC कॉइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह है ड्यूअल स्टार्टर जो कि मैंने अभी सिंगल फेज के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें यह सिंगल फेज़ की इनपुट सप्लाई है और यह आउटपुट सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। और यह स्टार्टर पहले 3 फेज़ का ड्यूअल स्टार्टर था, तो इसे मैंने सिंगल फेज स्टार्टर में चेंज किया हुआ है, जिसमें कि मैंने इसमें NVC कॉइल भी सिंगल फेज की लगाई हुई है। और यदि आपको इसका वीडियो देखना है कि 3 फेज स्टार्टर को सिंगल फेज स्टार्टर में कैसे चेंज करते हैं, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप एंड स्क्रीन से भी देख सकते हैं। और इस ड्यूअल स्टार्टर को हम यूज़ करते हैं 3 फेज की मोटर चलाने के लिए, जिसमें कि इसमें मैंने 32 एम्पियर पे रिले को सेट किया हुआ है, और इससे हम 10 HP की सबमर्सिबल मोटर चलाते हैं 3 फेज की मोटर। और इसमें अभी मैंने सिंगल फेज की सप्लाई कनेक्ट की हुई है और NVC कॉइल भी सिंगल फेज की लगाई हुई है। तो हम इसमें NVC कॉइल को चेक करके देख लेते हैं। हम इसमें NVC कॉइल को पहले फेज़ और न्यूट्रल की दो सप्लाई से चेक करेंगे, जो कि सिंगल फेज़ की सप्लाई होती है, फेज़ और न्यूट्रल, उससे चेक करेंगे, और उसके बाद सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से चेक करेंगे। तो हम इसमें पहले फेज़ और न्यूट्रल से चेक कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड सभी के पास अवेलेबल नहीं होता है। तो इसमें जो ये दो वायर हैं, ये दोनों वायर फेज़ और न्यूट्रल के वायर हैं। तो इसमें हम अभी सप्लाई को ऑन कर देते हैं, और इन दोनों वायर को, फेज़ और न्यूट्रल के दोनों वायर को NVC कॉइल के दोनों टर्मिनल से लगाना है हमें। तो इन दोनों वायर को NVC कॉइल के दोनों टर्मिनल से लगाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्टार्टर ऑन हो रहा है, यानी कि NVC कॉइल ऑपरेट हो रही है। तो इस तरह से यह NVC कॉइल पूरी तरह से सही है। यदि यह NVC कॉइल इस तरह से नहीं ऑपरेट होती है, तो NVC कॉइल ख़राब होती है। और इसे हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से भी चेक करके देख लेते हैं कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से कैसे चेक करते हैं। तो यह है हमारे पास सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। तो हम इसमें सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में प्लग लगा के सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से NVC कॉइल को चेक करके देख लेते हैं। तो इसमें सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का यह 3 पिन प्लग है, तो हम इसे इसमें लगा लेते हैं 3 पिन प्लग में। और यह दोनों वायर है जो कि इस प्लग से लगाए हुए हैं, और हम इसमें सप्लाई को ऑन कर देते हैं, और इन दोनों वायर को आपस में टच करते हैं, तो इसमें बल्ब जल रहा है। तो हम इन दोनों वायर को NVC कॉइल से लगाते हैं, तो इसमें यह स्टार्टर ऑन हो रहा है। तो हम इस तरह से सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से भी NVC कॉइल को चेक कर सकते हैं। और यदि 3 फेज की NVC कॉइल है, यानी 440 वोल्ट की NVC कॉइल है, तो वह भी सिंगल फेज की सप्लाई से चेक हो जाती है। और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड कैसे बनाते हैं और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। यदि यह भी वीडियो देखना है, तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन से आप देख सकते हैं। और इसमें NVC कॉइल को मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, तो हम इसे मल्टीमीटर से भी चेक करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये इस तरह का मल्टीमीटर है, जो कि सिंपल डिजिटल मल्टीमीटर है, और आपके पास किसी भी टाइप का मल्टीमीटर हो सकता है, तो आप किसी भी मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो ये पॉइंटर है, इसे कनेक्टिविटी वाले ऑप्शन पे सेट करना है, जो कि इस तरह से सेट कर सकते हैं। और इसमें इन दोनों नॉब को टच करते हैं, तो इसमें बीप की आवाज़ आ रही है। तो इसी तरह से इन दोनों नॉब को इन दोनों टर्मिनल पर लगाना है। तो हम इसमें दोनों नॉब को इन दोनों टर्मिनल पर लगाते हैं इस तरह से, और इस मल्टीमीटर में रीडिंग शो हो रही है, जो कि लगभग 300 की रीडिंग शो हो रही है, यानी कि यह NVC कॉइल पूरी तरह से सही है। और इसमें 300 ओम का रेजिस्टेंस है इस NVC कॉइल में। तो दोस्तों, इस तरह से आप खुद भी ड्यूअल स्टार्टर की NVC कॉइल को चेक कर सकते हैं, NVC कॉइल की कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि इसमें NVC कॉइल को कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें हम NVC कॉइल 220 वोल्ट की कॉइल है, तो इसमें हम 220 वोल्ट की कॉइल की जगह 440 वोल्ट की कॉइल को लगाना है हमें। तो हम इसमें लगाते हैं, तो इसमें हमारे पास ये NVC कॉइल है, इसे लगाना है। तो इसमें NVC कॉइल को चेंज करने के लिए हमें इस स्क्रू को खोलना है, जो कि कॉन्टैक्टर का स्क्रू है, जिसे झूला भी कहते हैं। तो इस स्क्रू को खोल के हम इस झूले को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि कॉन्टैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद NVC कॉइल के दोनों टर्मिनल से इन दोनों वायर को हटा लेना है। और उसके बाद NVC कॉइल में इस साइड में दो पत्तियाँ लगी हुई हैं, इन दोनों पत्तियों को सीधा कर लेते हैं, जो कि दोनों पत्तियाँ मुड़ी हुई पत्तियाँ हैं, जो कि देख सकते हैं कि ये इस तरह की दोनों ही पत्तियां हैं। इन दोनों पत्तियों को हम सीधा कर लेते हैं।
तो इसमें इन दोनों पत्तियों को सीधा कर दिया है और अब इसे इंडक्शन कॉइल को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि यह इस तरह से बाहर निकल जाएगी। और इसकी जगह में दूसरी एनवीसी कॉइल लगानी है इस कॉइल को, तो इस कॉइल को हमें इसी तरह से इसमें फंसा देना है, इसी तरह से लगा देना है। इस तरह से लग गई है और इन दोनों पत्तियों को दोबारा से मोड़ देते हैं जिससे कि एनवीसी कॉइल यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। तो इसमें इन दोनों पत्तियों को मोड़ दिया है जिससे कि एनवीसी कॉइल बाहर नहीं निकलेगी। और अब एनवीसी कॉइल में इन दोनों वायर को कनेक्ट कर लेते हैं जिस तरह से पहले कनेक्ट थे। तो इसमें इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है और इसमें अब इन झूले को या कॉन्ट्रैक्टर को इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह से खोला था उसी तरह से हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर को भी कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद भी ड्यूल स्टार्टर के एनवीसी कॉइल को चेक कर सकते हैं, यदि ख़राब है तो उसमें एनवीसी कॉइल को चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।